मेरठ में पीएम मोदी की आज चुनावी रैली है, चुनावी शंखनाद मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज होने जा रहा है। पीएम मोदी दोपहर के 2 बजे के बाद मेरठ पहुंचेंगे और मोदीपुरम स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में दोपहर 3 बजे पीएम मोदी की जनसभा होगी और इस जनसभा में सीएम योगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। इस बार की जनसभा खास है क्योंकि मंच पर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। एनडीए के दूसरे साथी भी मंच पर नजर आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी मंच पर मौजूद रहेंगे। एनडीए में शामिल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के मुखिया एकजुटता का संदेश देते नजर आएंगे। ये मोदी तीसरी बार प्रदेश में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से करेंगे। 2014 में और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल यहीं से फूंका था। आपको बता दें, मेरठ सीट से टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। देश की आधी आबादी सोचती है जो मुझे सुरक्षा मिली है, बहनों को जो सुरक्षा मिली है, सम्मान मिला है, तो वोट तो इसलिए मोदी के पक्ष में ही है। तो जो सम्मान लिया है वो अब तक सम्मान हमें नहीं मिला था। मोदी जी तो हमारे ऐसे हैं कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ कमाल कर देते हैं। वो तो एक भगवान भोलेनाथ का स्वरूप समझते हैं। हम उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और जो उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया और 33% का आरक्षण जो दिया है, और आज आप देखने वाले हैं कि महिलाएं इतनी उत्सुक है कि आज वो आपको मंच पर भी दिखाई देगी। आज मेरठ में पीएम मोदी की महारैली से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर, मेरठ में जनता से आशीर्वाद मिलेगा। ये प्रधानमंत्री की ओर से पोस्ट किया गया है। आज मेरठ में मेगा शो, बड़ी चुनावी रैली होने जा रही है। आज पीएम मोदी मेरठ आ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने रैली से पहले पोस्ट में लिखा, बीते 10 सालों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से देश भर के मेरे परिवारजनों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी, इसे गति प्रदान की, जिसके लिए देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा एनडीए के साथ जाने का मन बनाया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज दोपहर बाद करीब 3:30 बजे जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। आदित्यनाथ ने भी पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा कि देश की आजादी के लिए सन 1857 में क्रांति का बिगुल फूंकने वाली वीर भूमि बाबा ओघड़नाथ जी की पावन स्थली जनपद मेरठ में आदरणीय प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो मेरठ में पीएम मोदी का आज मेगा शो, बड़ी रैली रहने वाली है। 2024 की लड़ाई मेरठ से ही इस बार भी शुरू होगी, यानी कि जो चुनावी शंखनाद होगा, प्रचार का आगाज होगा, वो आज मेरठ से ही होने जा रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण, जिसके लिए शुरुआत यहीं से होने जा रही है और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही तमाम सीटों पर वोटिंग होनी है, इसलिए चुनाव प्रचार आज से शुरू होगा। दोपहर 3:20 पर हेलीपैड के जरिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 3:30 से 4 बजे तक रैली में रहेंगे और 4:45 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है पीएम मोदी से जुड़ा हुआ। और ये देख सकते हैं आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 27 सीटों का समीकरण आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं है, अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं है,
19 सीट अभी बीजेपी के ही खाते में है। बीजेपी का पलड़ा भारी है। समाजवादी पार्टी की 4 सीटें और बीएसपी की भी 4 सीटें। तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। अभी तक का जो समीकरण है वो आपको हम बता रहे हैं। अब इस समीकरण को बरकरार रखने का और इससे आगे बढ़ने का जो है मौका है बीजेपी के पास, 80 पार का 80 सीटों पर जीतने का जो लक्ष्य लेकर चल रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, इस दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाने जा रही है बीजेपी, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आगाज होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से, जाट लैंड से इसका आगाज आज करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी जाट वर्सेस जाट का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। ध्रुवीकरण का केंद्र ये इलाका रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आर्थिक तौर पर काफी संपन्न इलाका है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, मतदान होना है, वोटिंग होनी है, उन सीटों पर जोर शोर से प्रचार किया जाए, क्योंकि सबसे पहला चरण है चुनाव का। तो ऐसे में जीत की हवा किस ओर जाएगी ये भी इशारा होता है। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण और यहां की 27 सीटों का समीकरण आपकी टीवी स्क्रीन पर, 4-4 सीटें समाजवादी पार्टी और बसपा के पास, बाकी की सारी सीटें बीजेपी के पास। 19 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं अभी तक, और ये समीकरण भी आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों अहम है वो आपको लगातार न्यूज 18 बता रहा है। बड़ा दिन आज मेरठ वासियों के लिए भी, क्योंकि आज यहां पर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का, यानी कि उन्हें भी देखने का मौका मिलने वाला है मेरठ वासियों को, जो तमाम लोग सुबह से ही पहुंच गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरठ से, उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जरा बताइए कि कितनी देर में यहां पर तैयारियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी अंतिम रूप दिया जा रहा होगा तैयारियों को। आपने पहले भी दिखाई थी तस्वीरें, एक बड़ा पंडाल बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उतना ही बड़ा आयोजन भी होगा। क्या क्या कार्यक्रम यहां पर रहेंगे, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या इंतजाम है और लोगों के बैठने की कैसी व्यवस्था है, जरा दिखाइएगा। यह देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी शंखनाद करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 3:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए का पूरा कुनबा मंच पर नजर आएगा। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी यहां मंच पर मौजूद रहेंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मंच तैयार है। लिखा हुआ है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी गौरव समारोह, और 400 पार का नारा यहां बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है, और सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, और 2,00,000 लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, और एटीएस की टीम मौजूद है। एसपीजी ने मंच स्थल को और समूचे जनसभा स्थल को घेरे में ले रखा है। लॉन्ग शॉट करके दिखाइए तस्वीरें सामने की कि किस तरह से बैठने के इंतजाम किए गए हैं, लोगों के बैठने की कैसी व्यवस्था की गई है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आगे बढ़िए और दिखाइए यहां की तस्वीरें कि किस तरह से यहां मेरठ के मोदीपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होने जा रही है, और यह तस्वीर अपने आप में बताती है कि किस तरह से यहां पर प्रिपरेशन की गई है। सुरक्षा आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, हर आने जाने वाले की निगरानी रख रही है। एसपीजी का पहरा है, एटीएस की टीम का पहरा है, एनआईए की टीम यहां पर मौजूद है, और यकीनन सुरक्षा के कड़े और बड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रधानमंत्री गरजेंगे, विपक्षी पार्टियों पर वो कैसे प्रहार करते हैं, कैसे तीखे व्यंग वार चलाते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीरें नजर आ रही हैं समूचे प्रांगण में, समूचे परिसर में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह जी की तस्वीरें नजर आ रही हैं, और इस समारोह का नाम भी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह समारोह दिया गया है। तो यकीनन आज जाट लैंड से
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। रणभेरी बच चुकी है। दूसरी तरफ भी तस्वीरें अभिषेक दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और कैसी यहाँ पर सघन चेकिंग की जा रही है, कैसी सघन निगरानी की जा रही है, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अपने दाहिने तरफ की तस्वीरें दिखाइए, इस तरफ भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिखाइए कि कैसे यहाँ पर चहुओं और सिर्फ पुलिस का पहरा ही नजर आ रहा है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी गौरव समारोह इस समारोह का नाम दिया गया है और मंच पर जो तस्वीर बनाई गई है, मंच की तस्वीर ठीक है उमेश, कुछ लोगों से भी बातचीत कीजिएगा क्योंकि हमने देखा सुबह से ही लोग पहुंचना शुरू हो गए थे क्योंकि वो बेहद करीब से देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री को और उन्हें सुनना चाहते हैं कि आज उनकी तरफ से मंच से क्या कहा जाता है। जरा बातचीत कीजिएगा, कितने उत्साहित है यहाँ पर लोग जो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। हम बात करते हैं, आप ये बताइए दादा क्या कहेंगे आप यहाँ पर आए हुए हैं, आज प्रधानमंत्री जी की बड़ी जनसभा है, कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए? दिल से आए हैं, ऐसे थोड़ा ही आए हैं कि अब फिलहाल उनका दिल और दिमाग भारत से निकल के विश्व में पहुंचा है। नहीं, भारतीय संस्कृति तो विश्व को ग्लोबल थिंकिंग है, पूरे विश्व के लिए भला चाहती है। तो वो तो विचारिय करमने तो विश्वारियम तो उसी सिद्धांत पर मोदी चल रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी कमल के फूल वाला झंडा लेकर के घूम रहे हैं, आगे बढ़ेंगे अभिषेक और वहाँ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, उनसे जानेंगे समझेंगे कि कैसे वो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के, वो कितना उत्साहित है। आज सुबह से ही कुछ महिलाएं तो आ गई और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उन्हें प्रधानमंत्री जी को सुनना है और इसलिए वो अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए आए हुए हैं। आप क्या कहेंगी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आई हुई है, कितना उत्साहित है प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए कितना उत्साहित है? बहुत ज्यादा उत्साहित है, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए अब की बार तो डबल धमाल होने वाला है क्योंकि रामायण के अरुण गोविल जी भी आने वाले हैं और अब की बार रालोद जी भी जुड़े हैं तो डबल धमाल है। बहुत उत्साहित हैं देखने के लिए, सामने से देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा इनको देखना। आप भी आइए मैडम इधर और ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगी, आज प्रधानमंत्री जी की जनसभा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से, एक बड़ी रैली होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगी, कितना उत्साहित है, कितना एक्साइटेड है? हम बहुत उत्साहित है, हम सुबह के आए हुए हैं और हम सुबह 6 बजे पहुंच चुके थे, जब तक मीडिया वाले या पुलिस वाले कोई लोग नहीं आए थे लेकिन हम आ चुके थे। हम इतने उत्साहित है कि हमें मोदी जी को आगे से ही देखना और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त रैली होने वाली है, रैली होने वाली है। तो आपने देखा कि किस तरह से सभी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की रैली को लेकर बच्चे और बड़े सभी बेहद एक्साइटेड, बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।